आज की पहल टीवी रिपोर्टर कन्हैया लाल गहलोत की रिपोर्ट। तीनों स्वरूप में देती है माँ अपने भक्तों को दर्शन। नवरात्रि के पावन पर्व पर हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के 3 जिलों के मध्य स्थित रतलाम जिले के करीब 35 किलोमीटर दूर सतरूड़ा पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध माँ कबल का मंदिर। बुजुर्ग एवं वरिष्ठ जनों का कहना है कि यहाँ पर माँ अपने 3 रूप में अपने भक्तों को दर्शन देती है। बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था में दर्शन देती है। नवरात्रि के पावन पर्व पर बड़ी दूर दूर से यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है। इस मंदिर की सीढ़ियाँ लगभग 300 हैं ऊंचाई पहाड़ पर स्थित है। रिपोर्टर कन्हैया लाल गहलोत की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी गुरु। जय माता दी। ये मंदिर की क्या मतलब ये है, कब से बना हुआ है, ये क्या इसके प्रोसेस? मंदिर जो है कि मंदिर तो इसका कोई इतिहास नहीं है। जीवन नीति के अनुसार विक्रम संवत 1181 से हमारे पूर्वज जो नागा साधु के रूप में वहाँ से राजस्थान के झालावाड़ जिले पीड़ावा गांव मठ से आए थे, उनके शिष्य कन्हैया गिरी कि हम संतान हैं। महंत उत्तम गिरी वो गुरु थे और कन्हैया गिरी जी उनके शिष्य थे। उन्होंने आके इस बड़ के पेड़ पे 6 महीने उल्टे लटक कर तपस्या करी और उसके बाद आज जो भी पुजारी परिवार है, गोस्वामी परिवार आज अनवरत माता की सेवा अर्चना कर रहा है। उन्होंने माता से एक ही मांग मन्नत मांगी थी कि मैं जब तक रहूँ, मेरा कुल जब तक रहे, माँ तेरी सेवा अर्चना करता रहे। मंदिर बिना नींव का है, किसने बनाया ये पता नहीं, ये पता नहीं है ना। हाँ, और जब एक वर्ष के अज्ञातवास में पांडव जब यहाँ आए थे, इधर एक वर्ष के अज्ञातवास में जब आए हैं तो विशालकाय भीम ने 1.5 धोबा मुट्ठी से, जो मालवीय में घर एक ये धोबा और एक मुट्ठी, उससे इस पहाड़ी का निर्माण करा था उनकी गाय ढूंढने के लिए। और उनकी गाय धार जिले के मांडवगढ़ स्थित है, वहाँ से मिली उनकी गाय, तब से इस पहाड़ी का निर्माण है। ये किरणदत्ती का अनुसार बता रहा हूँ।